आज से लगभग 2 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के भक्त की आस्था के आगे जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी बेबस हो गए थे। खुद तत्कालीन सीएमएस ने श्री कृष्ण नाम से पर्चा बनवाकर लड्डू गोपाल की प्रतिमा के टूटे हाथ का प्लास्टर कर भक्त की भक्ति का सम्मान किया था, तो पूरे देश में उनकी भक्ति देखकर सभी भावविभोर हो गए थे। वहीं भक्त अब लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं की तरह ही भगवान से मिल पाता है। कमेटी के आपसी निर्णय के बाद अब उसे मंदिर के पुजारी के पद से हटा दिया गया है और वो घर पर रहकर भी अपने भगवान की पूजा करते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले भगवान कृष्ण के भक्त की आस्था के आगे जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी बेबस हो गए थे और खुद तत्कालीन सीएमएस ने श्री कृष्ण नाम से पर्चा बनवाकर लड्डू गोपाल की प्रतिमा के टूटे हाथ का प्लास्टर कर भक्त की भक्ति का सम्मान किया था। वहीं भक्त अब लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं की तरह ही भगवान से मिल पाता है। कमेटी के आपसी निर्णय के बाद अब उसे मंदिर के पुजारी के पद से हटा दिया गया है और वो घर पर रहकर भी अपने भगवान की पूजा करता है। साफ सफाई करने के बाद लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया, मतलब हमारे हाथ बैठा रहता था, हमें हाथ से छूट गए, छूटने वाले उनका हाथ टूट अलग हो गया। फिर सुबह 5 बजे मैंने उनके तस्वीर के करके घर से बांध के सुबह 8 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ ले जा करके मैंने पर्चा बनवाया श्री कृष्णा के नाम से। पर्चा बनवाने के बाद में फिर मैंने डॉक्टरों को कहा दिखाया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। उसके बाद में फिर मीडिया वाले आ गए, वहाँ आने के बाद फिर डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर डॉक्टर अशोक अग्रवाल के पास जाकर नहीं पहुँचे कमरा में साथ में, वहाँ उन्होंने अपने हाथों से उनका पट्टी बांधी। 19 नवंबर 2021 को जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे खेरिया मोड़ प्राचीन पथवारी मंदिर के पुजारी 70 साल का बुजुर्ग लेख सिंह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के टूटे हुए हाथ का इलाज कराने के लिए पर्चा बनवाने पहुंचा था। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि सुबह पूजन के दौरान स्नान कराते समय लड्डू गोपाल उनके बूढ़े हाथों से छूट कर गिर गए और उनका हाथ टूट गया। मैंने कहा इसके लिए मैंने टॉम बना दी इस तरीके से करीब पत्थर लगा दिया, लेकिन कमेटी वालों का ये कहना था कि इस मंदिर को यहाँ से हटा दिया जाए। मैं चाहता था कि सारे रहेंगे तो गेट के सामने तो दर्शन हो जाते हैं, कोई भी दर्शन करके चला जाता, कोई अंदर आता है मंदिरों को नहीं आता है, तो कमेटी वालों का इधर तो बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने फिर भी उनसे विवाद करके मंदिर को 3 पटिया लगवा दी, गौर टॉम नहीं पाया उधर का। फिर भी कमेटी वालों ये बात बुरी लगी, इस चक्कर में कमेटी वालों ने यहाँ से मंदिर से हटाने से रोक दिया। नियम अनुसार अस्पताल का स्टाफ भगवान की प्रतिमा का पर्चा नहीं बना सकता था, पर दुख के कारण बुजुर्ग की बिगड़ती हालत देखकर जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने न सिर्फ श्री कृष्ण के नाम से इलाज का पर्चा बनाया बल्कि खुद तत्कालीन सीएमएस डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने लड्डू गोपाल की प्रतिमा के टूटे हाथ पर दवा लगाकर प्लास्टर बांधा और बुजुर्ग लेख सिंह को घर जाकर लड्डू गोपाल को आराम करवाने और उनका ख्याल रखने की सलाह दी। अस्पताल में इलाज से संतुष्ट होकर लेख सिंह वापस अपने घर खेरिया मोड़ के पास अकबरपुर आए। लेख सिंह ने 15 दिनों तक लड्डू गोपाल का बीमार बेटे की तरह ख्याल रखा और फिर अन्य भक्तों की सलाह पर जब उन्होंने प्लास्टर खोला तो लड्डू गोपाल का हाथ जुड़ा नहीं था। लोगों की सलाह पर वो प्रतिमा को लेकर मथुरा गए और वहां यमुना में विसर्जन करने के बाद नई प्रतिमा लेकर आए और मंदिर में स्थापना कर दी। लेख सिंह से मिलकर जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि ये मंदिर आजादी के 5 साल बाद स्थापित हुआ था और वो 35 साल तक मंदिर के पुजारी रहे हैं। मंदिर कमेटी चाहती थी कि मंदिर की सभी प्रतिमाओं की एक ही बार में पूजा हो, जबकि वो लड्डू गोपाल की अलग पूजा करते थे। इसके साथ ही कमेटी चाहती थी कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा को सामने से हटाकर अन्यंत्र स्थापित किया जाए, जबकि वो चाहते थे कि लड्डू गोपाल सामने ही विराजमान हो ताकि वहां से गुजरने वाले भक्तों को मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन हो जाएं। लड्डू गोपाल को तो उन्होंने वहीं विराजमान रहने दिया पर उन्हें पुजारी के पद से हटा दिया। अब वो घर पर रहकर ही भगवान की पूजा करते हैं। जब दर्शन की इच्छा होती है तो अन्य भक्तों की तरह आकर लड्डू गोपाल के दर्शन कर उनसे बातचीत कर लेते हैं। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।